हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्लास सेवन्थ में चैप्टर वन इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये हमसे कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है आपका राइट हैंड साइड। आपको दोनों को सॉल्व करके ये बताना है कि दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे और इसके अंदर जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 में 7 प्लस माइनस 3, तो माइनस 3 कितना बन जाएगा यहाँ पर, माइनस 7 प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस कितना बन जाएगा माइनस, और 7 में से 3 गए तो 4, तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस 4। तो इसी तरीके से अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 फोरजा, तो 18 फोरजा हमारा बनता है 72। तो ये आया हमारा लेफ्ट हैंड वाला पार्ट। अब देखते हैं राइट हैंड वाले में क्या आएगा। तो 18 × 7 कितना आएगा, 8 × 7 = 56, कैरी लगी 5। अगर आपको 18 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। सो 8 × 7 = 56, कैरी 5, और 7 × 1 = 7 एंड 5 = 12, यानी कि 126। फिर आगे चलते हैं, तो 18 × -3, तो 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, तो यहाँ पर आएगा आपका पास माइनस का 54। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 6 में से 4 जाएगा, यानी कि 2 बचेगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्लस का साइन है और दूसरी तरफ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब आपका 6 में से 4 गया, 2 बचा, और नेक्स्ट नंबर है आपका 12, तो 12 में से 5 गया, बचा 7, और दोनों में से ग्रेटर 126 है, तो इसलिए साइन प्लस का बचेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ही आंसर सेम आ रहे हैं, और दोनों में और कोई भी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं बची है। तो आप इसको लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको इक्वेशन दी हुई होगी तो हमेशा आपका आंसर सही आएगा ही आएगा। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है, इट मींस आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही है। अगर आपने मेरा प्रॉपर्टीज़ वाला इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा कि 18 × 7 प्लस 18 × -3, ये आगे चल के वही इक्वेशन बनती है जो आपकी RHS में दिया हुआ है। सो अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है −21 × −4 + −6 = −21 × −4 + −21 × −6। तो यहाँ पर भी आप अगर अपना LHS और RHS सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो आपका करेक्ट आएगा। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये बनता है −4 − −6 − 21 × −−, जब भी दोनों सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड। तो ऐड कर लिया हमने, अब दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से ग्रेटर है आपके पास 6, तो 6 का साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो वो हम लगाएंगे माइनस का साइन। तो अब इसको करके देखते हैं, 21 × 1 = 21 और 0 की 0, और यहाँ पर क्योंकि माइनस का है तो −(−) प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आया नंबर 210, यानी कि 210। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास आंसर में क्या डिफरेंस आने वाला है। तो राइट हैंड साइड में 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, और −(−) ऐसे ही आगे लगेगा साइन प्लस का। और फिर 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12, और यहाँ पर भी साइन आपका प्लस का ही रहेगा, −(−) बन जाएगा। दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो दोनों को ऐड करके देखने में 6 + 4 बन जाता है 10 और कैरी लगती है 1, तो 8 × 2 = 10 and 1 = 11, और फिर कैरी लगती है 1, तो 1 और 1 बनता है 2, यानी कि आपका राइट हैंड साइड में भी नंबर आया 210। तो यहाँ पर भी जो आपका दोनों साइड का आंसर है वो सेम आ रहा है, तो आप लिखेंगे Hence verified. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।